मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग बिल्कुल यहाँ खड़े रहिएगा, हम सामने खड़े रहेंगे, सो आप लोग क्लास को पूरा घुमाते रहिएगा। चलिए, अबे गुड मॉर्निंग क्लास। तो हमारे साथ में मैं 2 मिनट लूँगा आपका, आज ज्वेल डेकर का दिन है, हम अभी लाइव चल रहे हैं क्लास, 2 मिनट दीजिए मुझे। इसे टेलीकॉम के पढ़ने के बाद वाकई में, जैसे मैंने एक स्लोगन ये मेरे फादर ने दिया था कि यार ऐसा कुछ करो जिससे लोगों की जिंदगी बदले। तो यहाँ पर किस किस की जिंदगी बदली है, सच बताइए। नॉलेज जिंदगी, नॉलेज जिंदगी को बदल सकता है कि नहीं? पक्का? ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ यू। 9610 9611, मतलब A50 M30 में आने वाली रैम है और रैम का GR है। ये क्यों? क्योंकि अगर आप CPU लगा रहे हो और रैम लगा रहे हो और बार बार आपका फोन चालू नहीं हो रहा है या कुछ और रीडिंग ले रहा है या रीडिंग लेके छोड़ रहा है या आपका हीट कर रहा है, तो आप लोग पहले CPU लगाइएगा। अभी मिलन सर आपको एक्सप्लेन करेंगे सब कुछ, मैं तो अभी नहीं करूँगा, ये मिलन सर का काम है यहाँ पर। मैं यहाँ पर फिलहाल ये डाटा शीट को एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि मिलन सर को फिलहाल इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत न पड़े, वो डाटा शीट में बता दें। और जो डाटा शीट में जो आप ये देख रहे हैं नंबर्स लिखे हुए हैं, ये GR है। सब लोग ध्यान दीजिए, नहीं भाई कम से कम इंस्टीट्यूट को 3 महीने का बैकअप तो देना चाहिए। तो मैं उस पर नाराज हो गया, मैंने बोला कम से कम, मैंने बोला तुमको ये बोलना ही नहीं चाहिए, मैंने बोला अगर तुम किसी इंस्टीट्यूट से पढ़ के गए हो तो उसको जिंदगी भर का बैकअप देना चाहिए कि तुमको अगर 3 महीने बाद आना है, तुमको 4 महीने बाद आना है, 5 महीने बाद या 5वें साल के बाद भी अगर तुमको लगे तो वो तुमसे 1 रुपये ना ले। क्योंकि इतनी बड़ी फीस लेने के बाद भी अगर वो तुमसे बार बार चार्ज कर रहा है तो इसका मतलब है ये पूरा एक बिजनेस फैला के रखा हुआ है इन लोगों ने। समझ में आ रहा है? अपडेट कि भाई थर्मिस्टर बताओ कहां पर है, विदाउट सर्किट डायग्राम से। सर विदाउट सर्किट डायग्राम से लिटरली आई महादेव की सौगंध, उसने बोल, मैंने बोला सर बोर्नियो में थर्मिस्टर ढूंढ सकता हूं, मैंने बोर्नियो में थर्मिस्टर, मेरे भाई बोर्नियो थर्मिस्टर कभी बताता ही नहीं है, बोर्नियो में कभी भी थर्मिस्टर की लाइन है ही नहीं। दूसरी बात, तुम सर्किट डायग्राम भी मान लो नहीं है तो तुम कैसे दूर होगे थर्मिस्टर? सर नहीं पता है। YouTube में बोला हाँ सर, थंबनेल क्या डाला, किसी भी मोबाइल टेक्नीशियन पर भरोसा मत करना, डाल दो नाली में अपने फोन, कोई नहीं बना सकता तुम्हारा फोन, मिलियन व्यू। तो ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो आंखों में अपनी मिर्ची डाल के बैठे हुए। जल्दी बताओ किसका डर ब्लैक फेस्टेड में खत्म हुआ? यस सर। नहीं, वो मजाक नहीं, ऐसा तो नहीं कि एक बोर्ड में किया और ऐसा लगे कि अब कर लूंगा। पक्का? यस सर। एक बार भी ऐसा बोला आपसे कि अब बोर्ड मत निकालना, अब बोर्ड मत निकालना? जबकि आपसे यही बोला गया कि जितना बोर्ड है उतना लेके आओ, निकालो। तो पहले डर खत्म करो। सो मैं अभी लाइव हूं, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि क्या यहां पर एजा टेलीकॉम में किस किस का पैसा वसूल हुआ, मुझे बताइए यहां पर, एक बार पूरी आवाज के साथ बताइए यहां पर। पक्का? देखो जब मैं आपको 11 तारीख, हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद की, जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर्रत। तो हाय माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सभी लोग? अभी अभी आया हूँ, जस्ट अभी गाड़ी पार्क की है और अभी ऊपर नहीं गया हूँ, और अभी हाल में ही बाहर का एक आउट ऑफ इंडिया का ट्रिप करके आया हूँ। हालांकि अब मेरे क्लासेस चल रही हैं, क्यों? क्योंकि मेरा हार्डवेयर का सेक्शन होता है, अभी MMC का सेक्शन चल रहा था। मेरे साथ में दीपक सर हैं, दीपक सर हाय बोलो सर। हेलो, और मैं हूँ एशिया टेलीकॉम से दीपक निगम, और अभी हमारी MMC की क्लास चल रही है, हार्डवेयर कम्प्लीट हुआ है हमारा, सॉफ्टवेयर कम्प्लीट हुआ है और MMC भी हमारा कंप्लीट हुआ है, और आज हमारा डुअल डेकर का क्लास चल रहा है बिल्कुल लाइव। और चलिए हम आपको अपनी क्लास दिखाते हैं। और अभी ये बिल्डिंग देख लो आप लोग, ये हमारी पूरी बिल्डिंग है, ठीक है, ये बिल्डिंग देख लीजिए पूरा, और अभी लाइव है। देखो मैं एक बार दिखा दूँ, देखो यहाँ पे लाइव चल रहा है, ट्रांसपेरेंसी को रखा है, और अभी हम चलिए पूछते हैं क्लास में कि पढ़ा रहे कि नहीं पढ़ा रहे हैं, लाइव है या नहीं है, और देखते हैं एक स्मार्ट क्लास एक कैसी होती है। आइए, तो आप यहाँ से आएंगे, यहाँ पर विजिटिंग अलाउ नहीं है क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं रहता है कि हम आपको यहाँ से मिलें, बट यहाँ पर ये है कि आपको पहले एडमिशन कराना होगा फिर मिलना होगा। आप लोग थोड़ा यहाँ पे आइए सामने, ये एंट्रेंस गेट है, और ये जो पूरी बिल्डिंग देख रहे हैं आप, ये हमारी है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा पोस्टर भी लगा हुआ है सर्विस सेंटर का, ठीक है, हमारा पोस्टर भी लगा हुआ है सर्विस सेंटर का। सो यहाँ पर हम थोड़ा लाइव हैं तो लाइव दिखाना चाहेंगे एक बार। ठीक है, ऊपर आ जाइए, बिल्डिंग में आ जाएगा लाइव, आ जाओ ऊपर आ जाओ।
तो ये एंट्रेंस है, ये हमारे मीटर्स लगे हुए हैं बिल्डिंग के, अलग अलग क्लासेस के, अलग अलग नीचे दुकानों के भी मीटर्स हैं। तो पहले दीपक सर उसको लाइव कर दे एक बार, फिर क्लास में एंटर होते हैं। यहाँ पर दो क्लासरूम है, एक थ्योरी लू स्मार्ट, एक प्रैक्टिकल, ठीक है। और अभी हमारी ड्यूअल डेकर की क्लास चल रही है, जिसमें एमडी सर बोर्ड लेकर आओ, ड्यूअल डेकर वाले। हम बोलते हैं लोगों को कि हम लोगों को क्या देंगे, हम ट्रेसिंग के बोर्ड देंगे, हम बोर्नियो प्रेगमाफिक्स वूजिंग JC8 सब फ्री देंगे, यहाँ पर पढ़ने के लिए हम UFI देंगे, यहाँ पढ़ने के लिए UMT अनलॉक टूल सब फ्री देंगे। और ये देखो, ये आप देख सकते हैं, ये सारे बिल्कुल फ्रेश बोर्ड हैं ड्यूअल डेकर। मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग बिल्कुल यहाँ खड़े रहिएगा, हम सामने खड़े रहेंगे, सो आप लोग क्लास को पूरा घुमाते रहिएगा। चलिए, भाई गुड मॉर्निंग क्लास। तो हमारे साथ में मैं 2 मिनट लूँगा आपका, आज ड्यूअल डेकर का दिन है, हम अभी लाइव चल रहे हैं क्लास, 2 मिनट दीजिए मुझे। गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग, आओ उधर आइए, सामने आइए, लाइट जला दो जरा। मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, फिर से मैं अभी लाइव हूँ, बिल्कुल लाइव, जिसको बोलते हैं स्पष्ट ट्रांसपेरेंट, या बिल्कुल फेस टू फेस, मैन टू मैन, है ना। हम एडिटेबल होते, हम बातों को कन्वर्ट कर सकते हैं, हम एडिट कर सकते हैं, वॉइस चेंज कर सकते हैं। आज की डेट में जो ग्राफिक्स में हो रहा है वो एक अद्भुत है, आप देख सकते हैं पिक्चरों को कैसा बनाया जा रहा है ग्राफिकली, आदमी गायब कर देते हैं, आदमी चेंज कर देते हैं, क्या पता यहाँ मिलन है ही नहीं, यहाँ कोई और खड़ा हुआ है। नहीं, ये रीजन, ये क्या, ये बोलने का क्यों है, क्योंकि इस तरह के कमेंट्स आते हैं। आप समझो, जब एक दुनिया, एक दुनिया जब एक ऐसी गली से निकल है जहां से उसको सिर्फ लुटेरे मिलते हैं, तो वो पूरी दुनिया को लुटेरे ही समझती है, समझ में आ रहा है। उसको लगता है कि वो गली गली नहीं है, पूरी दुनिया है, और वो दूसरी गली में जाने से डर लगता है उसको, और वो इतना डर जाता है कि वो बिना सोचे बिना समझे हर एक पे ये बोलता है, अरे ये भी लुटेरे, ये भी लुटेरे, ये भी लुटेरे, भाई इस लाइन में सभी लुटेरे हैं। सो मैं अभी लाइव हूं, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि क्या यहां पर एजा टेलीकॉम में किस किस का पैसा वसूल हुआ, मुझे बताइए यहां पर एक बार पूरी आवाज के साथ बताइए यहां पर। पक्का? देखो, जब मैं आपको 11 तारीख को छोड़ के गया था हार्डवेयर ट्रेसिंग करके, और तब मैं आपसे बोल के गया था कि आपकी MMC और सॉफ्टवेयर की क्लास चालू होगी, और मैंने आपसे बोला था कि कुछ आपसे बोला था कि मैं पूछूंगा कि 21 तारीख को कि ड्यूअल डेकर की क्लास होगी आज, और आपसे ब्लैक पेस्टेड और जितने भी ब्लैक पेस्टेड है उसके आपको बोर्ड क्लीन करवाने की मैटर बताई जाएगी और आपसे करवाएंगे। सो मुझे ये बताइए, अभी यहाँ पर कौन ऐसा नहीं है जिसको ये बिल्कुल नहीं आता कि सर डर लग रहा है अभी भी ब्लैक पेस्टेड में या नहीं उतार पाऊंगा, ऐसा कोई है क्या यहाँ पर? अब मुझे बताओ, मक्खन जैसा ब्लैक पेस्टेड कौन कौन उतार सकता है, जल्दी बताओ, किसका डर ब्लैक पेस्टेड में खत्म हुआ? नहीं, वो मजाक नहीं, ऐसा तो नहीं कि एक बोर्ड में किया और ऐसा लगे कि अब कर लूंगा, पक्का? एक बार भी ऐसा बोला आपसे कि अब बोर्ड मत निकालना, अब बोर्ड मत निकालना, जबकि आपसे यही बोला गया कि जितना बोर्ड है उतना लेके आओ, निकालो, तो पहले डर खत्म करो। तो जब आपने ब्लैक पेस्टेड डन किया, अब आपने उसके बाद MMC की क्लास अटेंड की, MMC सच बताइए हार्ड है कि सरल है कि हार्ड है, बताइए किस किस को सरल लगता है, जल्दी बताओ। MMC चेंज का प्रोसीजर कौन कौन जानता है आज, ये बताइए, पक्का? एक बार मिलन सर के लिए जोरदार ताली बजाइए भाई। अब मुझे बताइए, अगर आपके पास कोई ओप्पो वीवो फ्लैशिंग के लिए आता है तो कौन कौन फ्लैश कर सकता है, बताइए, दिखाइए यहाँ पर। तो एक बार सर के लिए जोरदार ताली बजाइए भाई, कमाल है यार। यहाँ तो ऐसा नहीं हुआ है जैसा लोग सोचते हैं और जैसा लोग बताते हैं। एक सुनिएगा, हाँ भाई बताइए क्या सर, मुझे है ना थोड़ा सा ना डेड वेड वाला सेक्शन वाला समझना है। तो मैंने बोला ठीक है, तुम्हें डेड समझना है बस, बोले हाँ, बाकी सब मुझे बेसिक सब आता है सर, सर ट्रेसिंग वेसिंग कर लेता हूँ सर,
तो पता है ट्रेसिंग क्यों कर लेता है वो, रीजन समझना, क्योंकि बोर्नियो है, उसको लगता है बोर्नियो में सब दी लाइन, तो उसको लगता है बोर्नियो की लाइन ही एंडलेस है। अब अगर बोर्नियो में कोई मोबाइल है तो कर लूंगा, नहीं है तो वापस कर दूंगा, ठीक है। वीवो के मोबाइल इन सबके मैंने पूछा, चलो तुम्हें सब आता है पक्का? बोला हाँ सर मैंने पक्का आता है, और मैंने ऑनलाइन भी सीखा था, और उसने लिखा 100% सीखा है सर, ऐसा नहीं है। मैंने उससे बोला देख भाई बुरा मत मानना, मैं कुछ पूछूँ तो बुरा नहीं लगना चाहिए, और ऐसा एक नहीं कम से कम 10 लोगों से बात किए, 10 लोगों से मैं पहले कभी कभी बात नहीं करता हूँ डायरेक्टली फेस टू फेस, मुझे भी आप में से किसी से भी मैंने डायरेक्ट बात नहीं की होगी, की है क्या? किसी से नहीं की है, आप लोग डायरेक्ट MD सर के थ्रू आए हैं, आप लोग मुझसे पहली बार रूबरू 27 तारीख को ही हुए होंगे, ठीक है। तो मैंने उनसे डायरेक्ट इसलिए बात की क्योंकि मैं रियलिटी समझना चाहता था कि क्लास की रियलिटी क्या है, और आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग इतना पढ़ के जा रहे हैं यहाँ से, इतना आप लोग अपने आप को हार्ड वर्क इतना रगड़ रहे हैं यहाँ पर, एक पत्थर पे पत्थर रगड़ के मूर्ति बना रहे हैं अपने आप को, तो उस कला की आप लोग पूरी ईमानदारी से लाइफ भर इज्जत करना, समझ में आ रहा है? जो डिसिप्लिन आप यहां से लेके जा रहे हैं, क्योंकि मार्केट में लोग कैसे बैठे हुए हैं, सर मुझे सब आता है, सिर्फ डेट बता दो। मैंने बोला चलो मुझे बताइए कि एक कैपेसिटर क्या काम करता है सीरीज में, तूने बोला सर फिल्टर करता है, मैंने बोला वेरी गुड गुड, सर क्या फिल्टर करता है, सर सिग्नल, मैंने बोला टू गुड, कौन से सिग्नल फिल्टर करता है वो नहीं पता है। मैंने बोला चलो ठीक है एक फोटो दे रहा हूँ तुम्हारे पास अगर ये सेट है, बोला हाँ सर है ये वाले 5A का सेट अक्सर लोगों के पास होते हैं, बोले इसमें बताओ कहाँ पे सीरीज लगा, बोले सर ये नहीं पता है, मतलब एक गूगल पे लिखी हुई हर बात पता है, समझ में आ रहा है मेरी बात, एक गूगल पे लिखी हुई हर बात पता है, बट जो रियलिटी है जो बोर्ड पे लिखा हुआ है वो उसको कुछ नहीं पता है, नहीं सर ये नहीं पता है, तो ये किस बात का ज्ञान? ये तो अपने आपको मूर्ख बनाने की बात है कि नहीं, ये बताओ। अपने आपको आंखों में अपने आप से हाथ से मिर्च डालने की बात है कि लोग अपने आंखों से अपने आप को अंधा बता रहे हैं कि सर नहीं मैं अंधा नहीं हूं, और है अंधे, वो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हैं कि मेरे को कुछ नहीं आता है, और वो काम किए जा रहे हैं, और हो क्या रहा है उन्हीं के थ्रू, जो एक अच्छे मोबाइल है जो बन सकते हैं, वही हीट दे के वो मोबाइल को टेम्पर्ड करके दुकानों में भेजा जा रहा है, और ये बात मान सकते हैं कि नहीं मान सकते आप लोग? आप लोगों को सच बताइए, जो चीज समझाई जा रही है यहां पर कि अगर मैं, अगर हाँ मैंने उससे पूछा कि भाई थर्मिस्टर बताओ कहां पर है विदाउट सर्किट डायग्राम से, सर विदाउट सर्किट डायग्राम से लिटरली महादेव की सौगंध, उसने बोल, मैंने बोला सर बोर्नियो में थर्मिस्टर ढूंढ सकता हूँ, मैंने बोर्नियो में थर्मिस्टर, मेरे भाई बोर्नियो थर्मिस्टर कभी बताता ही नहीं है, बोर्नियो में कभी भी थर्मिस्टर की लाइन है ही नहीं। दूसरी बात, तुम सर्किट डायग्राम भी मान लो नहीं है तो तुम कैसे दूर होगे थर्मिस्टर, सर नहीं पता है। उसके बाद बोला हाँ सर मेरे को वाकई में कुछ नॉलेज नहीं है, वो एक्सेप्ट किया। उसके बाद मैंने बोला देख मैं तेरे को एडमिशन नहीं दूंगा बिल्कुल भी, क्योंकि पहले दिन आप जब आए थे तो यादव ने तीन चीज आपसे बोली थी, तीन चीज बताओ MD साहब, वो तीन चीज क्या थी? सबसे पहले मैंने बोला था आपको फोकस, यस सर, फोकस काम में आया कि नहीं आया, यस सर। उसके बाद जोश, यस सर, ये जोश जिससे आप 14 घंटे बैठे यहाँ पर, और तीसरा था हमारा खाली गिलास, खाली गिलास, खाली गिलास का फायदा हुआ कि नहीं हुआ? देखो यहाँ पे आज आप ड्यूएल डेकर करने वाले हैं, मुझे बताओ कौन कौन ड्यूएल डेकर करने वाला है, जल्दी बताओ। देखो और ये आपको ये बोर्ड हम देंगे, और ये भी वादा किया था कि नहीं किया था? कमिटमेंट के थ्रू, और बात कमिटमेंट की नहीं है, बात ये है कि यहाँ तक लेकर आए हम तुमको, यहाँ तक तुम्हारा सेटिस्फेक्शन है, तुम्हारा यहाँ पे बैठे हो, तुम दुखी नहीं हो, तुम मायूस नहीं हो, तुम ये नहीं सोच रहे कि मैं यार कुछ नहीं सीखा हूं और अभी क्लास चल रही है, पुरानी क्लास तो सब सफा हो गई, समझ में आ रहा है मेरी बात? लोगों एक अच्छा पता है ग्रुप में एक बहुत अच्छी बात हुई, एक जन बोलता है नहीं भाई सही कह रहे हैं सर, तकरीबन एक इंस्टीट्यूट को कुछ ऐसी बातें कर रहे थे लोग फलाने वलाने इंस्टीट्यूट के लिए, बोले वो ऐसे हैं कि वो बैकअप नहीं देते, ये नहीं देते। सो वहाँ पे एक भाई ने एक बात उठाई, उन्होंने कहा कि नहीं भाई कम से कम इंस्टीट्यूट को 3 महीने का बैकअप तो देना चाहिए। तो मैं उस पर नाराज हो गया, मैंने बोला कम से कम, मैंने बोला तुमको ये बोलना ही नहीं चाहिए, मैंने बोला अगर तुम किसी इंस्टीट्यूट से पढ़ के गए हो तो उसको जिंदगी भर का बैकअप देना चाहिए, कि तुमको अगर 3 महीने बाद आना है, तुमको 4 महीने बाद आना है, 5 महीने बाद या 5वें साल के बाद भी अगर तुमको लगे तो वो तुमसे 1 रुपया ना ले, क्योंकि इतनी भारी फीस लेने के बाद भी अगर वो तुमसे बार बार चार्ज कर रहा है तो इसका मतलब है ये पूरा एक बिजनेस फैला के रखा हुआ है इन लोगों ने, समझ में आ रहा है? अपडेट का
का कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। मैं यही कहना चाहूंगा यूट्यूब से सारे, क्योंकि वीडियो यूट्यूब में भी आएगा और लाइव के सारे बाकी सारे इंस्टीट्यूट से, कि मेरे भाई प्लीज आप लोग अपने स्टूडेंट से ही चार्ज मत करो यार। अगर आप उनका भी मोबाइल बनाते हो तो वो भी चार्ज मत करो यार, क्योंकि आप अगर उन्हीं से पैसे कमाओगे तो फिर क्या मतलब है उनसे फीस लेने का। क्योंकि एक तरफ आप उनसे वादा करते हो कि हम आपको सिखाएंगे और दूसरी तरफ उन्हीं के फोन बना के उन्हीं से पैसे ले रहे हो, तो ये तो रियलिटी लूट मार है। तुमसे तुम्हारे को सिखा के तुम्ही से पैसे लूंगा और तुम्हारे को ही बोलूंगा कि जब पांचों महीने आना है तो लो 10,000 दो, तो ये लूट मार है कि नहीं है? एशिया टेलीकॉम में ऐसा नहीं चलेगा। एशिया टेलीकॉम में आपको जिंदगी भर का सपोर्ट मिलेगा। ये लाइव नॉन एडिटेबल ये कह रहे हैं हेड ऑफ एशिया टेलीकॉम देवदन अग्रवाल, यानी स्टूडेंट भी, तो प्लीज़ आइए यहाँ पर और हमसे बैकअप लीजिए। और बैकअप के लिए एमडी सर को मैसेज मत कीजिए, किसी को मैसेज डायरेक्ट कॉल लगाइए, और कॉल नहीं लगता है तो 5 बार लगाइए, परेशान कर दीजिए कॉल लगा लगा के। और एमडी सर का नंबर है 7000731192। और आपने अपने खुद आंखों से उदाहरण देखा कि नहीं देखा? देखा आपने? कौन सी ईयर के स्टूडेंट 2022 में आ रहा है? 2019 का चल रहा है 2022, 5 साल पुराना स्टूडेंट तुमने पढ़ते हुए देखा? अच्छा UFI कैसा लगता था इससे पहले, सच बताइए? बहुत हार्ड लगता था। सर ने कैसा कर दिया उसको? हलवा बना दिया यहाँ पर। अच्छा डेट डायग्नोस कैसा लगता था पहले बताओ? डेट डायग्नोस बहुत हार्ड लगता था। आप किसी भी फोन की रीडिंग निकालना कितना आसान है जल्दी बताइए। और डेट डायग्नोस के बाद EMMC कितना सरल हुआ ये बताइए। कंपोनेंट के बाद, सेक्शन के बाद, बोर्ड को पहचानने का नजरिए के बाद, ये सब कुछ सरल हुआ कि नहीं हुआ? अभी आप एक लाइव सेट देख रहे हैं, ये सेट किसका है सर? ए मेरा, आ जाओ, कहाँ है उसका बोर्ड किधर है? ये सेट बताओ किसका है, आप क्या है बताइए थोड़ा सा। सर ये फोन मेरा है और ये लोगो रिस्टार्ट पे है। ओके तो ये कहाँ से लेके आए हो, कि आपका स्वयं का है या कहीं से? नहीं ये कस्टमर का है, तो मेरे पास रखा हुआ था, तो मैं बोला वहाँ जाऊँगा सीखने के लिए तो वहाँ दूंगा बनने के लिए। कब से रखा हुआ था सर? मेरे पास रखा हुआ था एक महीने से रखा हुआ था। तो ये सेट अब मुझे बताओ, ये तो अभी आप प्रैक्टिकली सीख रहे हो यहाँ पर डायरेक्ट कि कैसे निकालते हैं, क्योंकि कोई भी चीज करने से पहले सीखना जरूरी है। बहुत जरूरी है सर, है ना, कि डायरेक्ट मुंह उठाए माइक्रोस्कोप में बैठ गए IC निकाल दी हमने, बोला नहीं सीखना जरूरी है ना, क्योंकि हमें ये भी समझना है कि उस CPU के पास कौन से कॉम्पोनेंट इंपॉर्टेंट है, हमें ये भी समझना है कि उस CPU के निकालने के बाद क्या रीडिंग आनी चाहिए, हमें ये भी समझना है कि उस CPU को हमें किधर से निकालना है। और हम बेसिकली क्योंकि डुअल डेकर होता है, 2 सैंडविच होते, ऊपर रैम होती है, रैम टूट जाए तो भी चलेगा, क्योंकि रैम को चेंज किया जा सकता है किसी भी CPU के साथ, के किसी भी बोर्ड में। आप M30 का रैम को 850 के रैम में भी चेंज कर सकते हैं। 9611 और 9610 दोनों CPU के रैम एक्यूरेट एक जैसे होते हैं। अभी हम आपको एक डाटा शीट भी देंगे जो मैंने अपनी बुक में डाली है, और वो डाटा शीट मिलन सर यहाँ पर दिखाएंगे। सो यहाँ पर तुम्हारे कंप्यूटर में है, खोलो जरा एक बार। वाला नहीं है तो मैं व्हाट्सएप में डाल रहा हूँ, खोलो एक बिट। लाइव कौन चला रहा है? ठीक है, सो देखिए ये थोड़ा बट, तो आप लोग पहले एक इसकी फोटो ले लो सामने से कोई, और एक ग्रुप में डालो, बाकी आप लोगों को फोटो मैं डाल दूंगा, फिर भी एक ले लो फोटो यहाँ पर, ये लो। ये 9610 9611 मतलब A50 M30 में आने वाली रैम है, और रैम का GR है ये। क्यों? क्योंकि अगर आप CPU लगा रहे हो और रैम लगा रहे हो और बार बार आपका फ़ोन चालू नहीं हो रहा है, या कुछ और रीडिंग ले रहा है, या रीडिंग लेके छोड़ रहा है, या आपका हीट कर रहा है, तो आप लोग पहले CPU लगाइएगा। अभी मिलन सर आपको एक्सप्लेन करेंगे सब कुछ, मैं तो अभी नहीं करूँगा, ये मिलन सर का काम है यहाँ पर। मैं यहाँ पर फिलहाल ये डाटा सीट को एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि मिलन सर को फिलहाल इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़े, वो डाटा सीट में बता दें। और जो डाटा शीट में जो आप ये देख रहे हैं नंबर्स लिखे हुए हैं, ये GR है, सब लोग ध्यान दीजिए। अब यहां पर जहां पर रेड लिखा हुआ है, आप लोग को भी यहां पर दिख रहा होगा, आई थिंक यहां पर देखिए, यहां पर जहां पर भी रेड लिखा हुआ है, वो रेड पर एक GR के साथ एक वोल्टेज भी आएंगे, और जो कि है 1.0 वोल्टेज। यहां पर ये वोल्टेज रैम के ऊपर नहीं मिलेंगे, ये CPU के ऊपर रैम वाली जगह पे मिलेंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अगर आप CPU लगाकर, रैम लगाने से पहले आप CPU लगाने के बाद चार्जर लगाइएगा, तो आपको ये वाली जगह पे, ये वाली जगह पे, मैं कलर चेंज करना चाहूंगा कलर, ये सो देखिए,
ये वाली जगह पर, ये वाली जगह पर, जहाँ जहाँ 80 लिखा हुआ है वहाँ पर कहीं पर भी एक जगह पर भी अगर आपको इतना या आपको इतना वोल्टेज अगर आ जाता है तो इसका मतलब है कि आपके सीपीयू को, सीपीयू आपके रैम के वोल्टेज बना रहा है, तो आप रैम लगा सकते हैं। क्योंकि अगर ये वोल्टेज नहीं आ रहा तो रैम लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, बेमतलब में आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे, फिर निकालेंगे फिर लगाएंगे। दूसरा वोल्टेज आपका 1.7 वोल्टेज है जो आपके ये येलो कलर में है। सो इस येलो कलर में आपको अगर 1.7 वोल्टेज मिलना चाहिए स्टेबल, ये भागना नहीं चाहिए, ध्यान रखना। अगर ये भाग रहा है, मतलब अगर आप देख सकते हो यहाँ पे खड़े होकर, आ जाओ इधर आ जाओ, नहीं दिख रहा तो साइड आओ ना भाई, जिसको नहीं दिख रहा है वो उधर चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार समझ लो अच्छे से। अच्छा टीवी भी लगी हुई है, हाँ ठीक है टीवी भी लगी हुई है, ओके मैं तो भूल ही गया था इसके बाद। आप देखो, और अच्छा ये जो जीआर है दान दो, अब इसको जैसे हटाना है यहाँ से नॉर्मल, और ये होता है, तो दोनों पर आप रिवर्स जीआर भी अब से करना चालू करना, हमेशा हर जीआर पर, जैसे आपने नेटवर्क सेक्शन में देखा कि डब्ल्यूटीआर पर 1.0 और 0.9 वोल्टेज जहां पर आते हैं, वो वोल्टेज ना आने का कारण भी ये जीआर हो सकते हैं, क्योंकि अगर डब्ल्यूटीआर पर ये लाइन पे कैपेसिटर लगे हुए हैं और अगर ये लीकेज है तो ये ना हीट होते हैं और ना शॉर्ट बताते हैं। सो याद है मैंने आपको वहां पर भी ये जीआर नोट कराया है, कराया कि नहीं कराया, बिल्कुल। तो नॉर्मल और रिवर्स जीआर, मतलब नॉर्मल जीआर यहां पे बताया गया है ये हाइट है, ध्यान देना, तो मैं आपको वो वाला दूंगा जिसमें हाइट नहीं है। ये मेरी बुक लेके आओ जरा, एक बुक लेके आना, कहां रखी हुई है बुक, कहां रखी हुई है, एमडी सर को बोलो, दो पकड़ाओ ये, लो पकड़ो। तो मैं अभी आपको बता देता हूं नॉर्मल जीआर, तो मैं आपको बुक का फोटो सेंड कर देता हूं। तो यहां पर, क्योंकि ये अभी मार्केट में जा रहा है, मैं नहीं चाहता कि लोग इसको कॉपी करें, तो ये नॉर्मल जीआर बताया, मतलब 80 एक लो जीआर है, ध्यान देना 80 एक लो जीआर है। आप जब इसको चेक करोगे नॉर्मल में तो 80 आना चाहिए, और जब रिवर्स चेक करोगे तो इतना आना चाहिए, और अगर इससे ज़्यादा, मतलब 1000 के ऊपर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि सीपीयू लीकेज हो रहा है तुम्हारा, तो जिस वजह से कोरियर कर दी, नहीं रहने दो। सो चलो ठीक है, मैं आपको बुक की फोटो दे दूंगा, वो बुक हमने कोरियर कर दी है। सो ये आपको यहाँ पे दिया है, और बाकी जो पैडों के जो जीआर है वो रैम के अदर सप्लाई, डाटा सप्लाई का जीआर है। सो दो इंपॉर्टेंट जीआर है, अगर ये दो चेक कर लोगे तो सब कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, हम भी सिर्फ दो ही चेक करते हैं, ध्यान रखना। ये 350, 362, 770 ये सब चेक नहीं करना है आपको, चेक यहाँ पर केवल ये करना है। मैं एक बार फिर से एक गोला बना देता हूँ, एक यहाँ पर ये वाले कलर का, एक 80 वाला यहाँ पर ये चेक करना है, और एक 430 वाला, ये दो बस जीआर चेक कर लेना, और इसके साथ में इस पर वोल्टेज चेक कर लेना, ये और ये वोल्टेज। एक फोटो खींचो जरा इसका, टीवी का भी ले सकते हो, किसी का भी ले, टीवी में ये आ रहा है क्या, ऐसा गुदा हुआ टीवी में नहीं आएगा, ये फोटो ले, सिर्फ ये दो जीआर चेक कर लेना। तो अभी मिलन सर ने सीपीयू उतारा नहीं है, तो मिलन सर अभी सीपीयू उतारेंगे और आपको ये जीआर चेक करवाएंगे, ठीक है सर। सो आप इनको ना बस सीपीयू लगाकर ये पूरे जीआर प्लस वोल्टेज चेक करवाइएगा, तो ये भी पता चल जाएगा। अच्छा यही चीज़ हम रैम को भी चेक कर सकते हैं, तो रैम को जब हम रैम उतारेंगे और सिंगल रैम को चेक करेंगे, तो उस रैम पे भी यहाँ पे जहाँ पे 80 आ रहा है और जहाँ पे 0 लिखा हुआ है, तो 0 को समझो वो ग्राउंड माना गया है, क्या माना गया है, ग्राउंड। तो ध्यान रखना 0 को ग्राउंड माना गया है, और ये सैमसंग के दो में 10 और आपके 11 में, 10 और 11 दोनों में लगते हैं जीआर वोल्टेज है जो हमने ये दी है। चलो मैं बस लास्ट आपसे पूछना चाहूंगा, एक बार यहां पे दिखाइए सब लोगों को, कि मैं फिर से पूछना चाहता हूं, एसजे टेलीकॉम के पढ़ने के बाद वाकई में, जैसे मैंने एक स्लोगन ये मेरे फादर ने दिया था कि यार ऐसा कुछ करो जिससे लोगों की जिंदगी बदले, तो यहां पर किस किस की जिंदगी बदली है, सच बताइए। नॉलेज जिंदगी, नॉलेज जिंदगी को बदल सकता है कि नहीं, पक्का? ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ यू, क्लास को आगे बढ़ाइए सर, थैंक यू। मिस्टर अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया होगा, क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? तो सीपीयू निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका सीपीयू निकालने वाले हैं? सबसे नंबर वाले से